नमस्कार प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। बने हुए न्यूज पेयर के साथ बड़ा खेला होने की संकेत जताई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार हालांकि दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन संभावित चौधरी, चिराग पासवान, कौशलेंद्र कुमार, विजय चौधरी, जमा खान, ये सभी लोग सीएम आवास पर पहुंचे थे। और कहा जा रहा है कि डोरा डालने वाली जो खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि डोरा डाला जा रहा है, उन तमाम बातों और मुद्दों को लेकर ठीक आप मेरे पीछे सीएम आवास देख रहे हैं। और तमाम तरह की जो बातें थी, प्रतिक्रियाएं थी और जो चर्चाएं चल रही थी, उन तमाम बातों को लेकर जिस तरीके से मुद्दा गर्म था। और देखिए, बड़े भाई की भूमिका में बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार हो चुके हैं और डबल स्ट्राइक से जीत हासिल करने वाले चिराग पासवान पांचों सीट को अपने कब्जे में रखा। और सीएम नीतीश कुमार इस समय बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो INDI गठबंधन की ओर से भी डोरा डाली जा रही है। तमाम बातों को लेकर चर्चा और कयास लगाई जा रही है। और जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष की जो बातें हो रही थी, हमलावर जिस तरीके से हो रहे थे, और आलम ये रहा कि नीतीश कुमार क्या अब नीतीश कुमार पीएम मोदी पर दबाव बनाएंगे। देखिए, बड़ी खबर यही निकल कर सामने आ रही है कि क्या सीएम नीतीश कुमार तो खामोश थे, RJD का दामन छोड़ के बिहार में महागठबंधन का दामन छोड़ के NDA के साथ वो गए, लेकिन वो खामोश थे, अपनी गलतियों को वो मान रहे थे। लेकिन अब बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद क्या सीएम नीतीश का डिमांड बढ़ जाएगा? क्या सीएम नीतीश जो बोलेंगे वो पीएम मोदी को, अमित शाह को मानना होगा? तमाम बातों को लेकर कयास लगाया जा रहा कि शायद हो सकता है कि अब जैसे जैसे सीएम नीतीश कुमार बोलेंगे पीएम मोदी को मानना होगा, 2019 की गलती नहीं दोहराना चाहेंगे पीएम मोदी, यानी NDA 2019 की गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ जो व्यवहार हुआ था 2019 में, तो सीएम नीतीश कुमार ने NDA का दामन छोड़ा था, लेकिन उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। इसी को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है कि बिहार के बॉस नीतीश इज़ द बॉस। अब नीतीश जो बोलेंगे वो पीएम मोदी को मानना होगा।